दोस्तों, दुनिया में कई किस्म के चोर पाए जाते हैं। सबसे घटिया चोर वो होते हैं जो किसी का आइडिया चुरा लेते हैं। लेकिन इससे भी घटिया किस्म के चोर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में पाए जाते हैं, जो हमारे हीरोज का नाम तक चुरा कर अपनी मूवीज में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसमें हैरानगी की बात नहीं है, उनका तो पेशा ही ये है। कभी किसी की कहानी चुरा ली, कभी किसी हॉलीवुड मूवीज का स्क्रिप्ट और कवर पेज चुरा लिया, कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर उनके खाने के चम्मच चुरा लेते हैं, और कभी किसी का पानी चुरा लिया। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, आपने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा जैसी मूवीज का नाम तो सुना होगा। इन मूवीज का मेन कैरेक्टर टाइगर है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इस नाम को और इस तर्ज के कैरेक्टर को पाकिस्तानी रियल हीरो से कॉपी किया गया, जिसे दुनिया टाइगर टीएम के नाम से जानती थी। टाइगर टीएम यानी ब्रिगेडियर तारिक महमूद को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। इन्हें इस सदी का सबसे बेहतरीन कमांडो का दर्जा भी मिला है। टाइगर टीएम 18 अक्टूबर 1938 को मुल्तान में पैदा हुए और 1963 को मिलिट्री एकेडमी काकुल से बेहतरीन अफसर बनकर पास आउट हुए। आर्मी ने इन्हें कमांडो की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वो एसएसजी कमांडो की पहली बटालियन में भी शामिल हुए। 1965 में इन्हें अमेरिका में होने वाले एक एडवांस स्पेशल कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, मगर इस वक्त 1965 की पाक भारत जंग शुरू हो गई। टाइगर अपने कमांडो के सामने पेश हुआ और एहतराम के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो वादा निभाने का वक्त आ गया है जो हॉकी वर्दी पहनने से पहले अपने वतन से किया था। कमांडर अपनी कुर्सी से उठा और टाइगर टीएम की तरफ देखकर मुस्कुराया और इसके कांधे पर थपकी देकर विक्ट्री का निशान बनाया। टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये वो मुस्कुराहट थी जो शिकार पर झपटने से पहले आती है। 1965 की जंग में इन्होंने दास्तान शुजात रकम की और इस बेजिगरी और हिकमत अमली से लड़े कि दुश्मन दंग रह गया। फौज ने इन्हें 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी पर सितारे जुर्रत से नवाजा। 1970 में इन्हें मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग में टाइगर ने दोबारा अपनी बहादुरी और शुजात के जोहर दिखाए। जहां दुश्मन फौज को लाशों के ढेर मिलते, वो समझ जाते कि यहां से टाइगर का गुजर हुआ है। 1971 की जंग के बाद इन्हें जुर्रत और बहादुरी पर दोबारा सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1971 में ही जब ढाका के शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुक्ति बानियों का कब्जा हो गया, तब जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने टाइगर टीएम को टास्क दिया कि जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट से मुक्ति बानियों का कब्जा छुड़ाया जाए। ये नो फ्लाई जोन था, यहाँ कोई प्यार बमबारी नहीं कर सकता था, लेकिन टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटों में इस एयरपोर्ट को मुक्ति बानियों के कब्जे से छुड़ाया। 1971 का ही वाकया है कि जंग के दौरान ही टाइगर ने अकेले और नहत्ते होते हुए एक इंडियन हेलीकॉप्टर के साथ लटक कर इस हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने पर मजबूर कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। 1971 में इन्हें एक और आजाद सितारे बिसालत से नवाजा गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री का पहला वाकया था कि इतने मुख्तसर से कैरियर के दौरान किसी भी ऑफिसर को बहादुरी के इतने आजाद से नवाजा गया हो। 1971 में कर्नल और 1982 को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और 1982 को ही एसएसजी का कमांडर तैनात कर दिया गया। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन का तनाजा जोर पकड़ गया था। पाक फौज ने सियाचिन ग्लेशियर वापस हासिल करने के लिए टाइगर की खिदमात हासिल करने का फैसला किया। टाइगर ने अपनी टीम के साथ बर्फ पोश पहाड़ों में दुनिया की बुलंद तरीन महाजे जंग पर भारत को बता दिया कि शेर जब बर्फ पोश पहाड़ों पर झपटे तो शिकार किए बगैर नहीं जाता। भारतीय फौज मोर्चे छोड़कर भाग खड़ी हुई। टाइगर ने सियाचिन पर सब्ज हलाली परचम लहराया और सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल एक्स कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली के हाथ में दिया। तहम 1984 में ही ये इलाका खो दिया गया। टाइगर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी रात की नजरों में आ चुके थे और वो इन्हें कत्ल करवाने के दर पे थे। आईएसआई भी बेखबर ना थी। आईएसआई ने रिपोर्ट पेश की कि रा टाइगर पर नजर रखे हुए है और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को हर हफ्ते टाइगर की रिपोर्ट पेश की जाती थी। यूं तो टाइगर टीएम ने बहुत से ऑपरेशंस किए और तमाम ऑपरेशंस में कामयाबी भी हासिल की, मगर दुनिया ने इन्हें उस वक्त जाना जब 5 सितंबर 1986 को कराची एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी मुसाफिर त्यारा हाईजैक कर लिया गया। 360 अफराद की जान खतरे में थी, मगर हाईजैकरों को मालूम न था कि एक बहुत बड़ा खतरा टाइगर की सूरत में कराची की तरफ रवाना हो चुका है। टाइगर ने मुसाफिरों को हाईजैकरों से बाजियाब कराने का मंसूबा बनाया और खुद एसएसजी की कमांड की। थोड़ी ही देर में हाईजैकर गिरफ्तार होकर टाइगर टीएम के कदमों में थे।
یہ پہلا موقع تھا کہ جب پاکستانی قوم کو طارق محمود یعنی ٹائیگر ٹی ایم کے بارے میں پتا چلا۔ ٹائیگر ٹی ایم نے سوویت افغان وار میں بھی حصہ لیا اور اپنا کردار نبھایا، اور انہوں نے افغانستان کی بیٹل فار ہل 32-34 کا بھی آپریشن کیا جس کی کمان انہوں نے خود ہی کی تھی۔ یہ 29 مئی 1989 کا دن تھا، گجراوالے کے نزدیک رہوالی میں آرمی ایویشن کی پاسنگ آؤٹ تھی۔ ٹائیگر ایس ایس جی کمانڈو کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو کمانڈ کر رہے تھے۔ آرمی کا MI-17 ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا۔ ٹائیگر ٹی ایم جست لگانے کے لیے اٹھے، ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور کود گئے۔ ٹائیگر نے مقررہ بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا، مگر پیراشوٹ نہ کھل سکا۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اس طرح دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹائیگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ان کے کیریئرز اور کارناموں پر بے شمار فلمیں بنتی اور داستانیں سنائی جاتی۔ دوستو، ٹائیگر زندہ ہے جیسی موویز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت ٹائیگر سے کس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے میڈیا کی ہٹ درمی ہے کہ ہمارے ریئل ہیروز کو بھلا کر ایسے لوگوں کو ہیروز بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو اس ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دوستو، ٹائیگر ٹی ایم جیسے ہیرو ہر قوم کو نہیں ملتے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری تاریخ بے شمار ہیروز سے بھری پڑی ہے، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں ہمارے ہیروز کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کائنات ہے، وفا کی روشنی ہو تم، منا اندھیری رات ہے، شہید کی جو موت ہے، تو قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا، وہ قوم کی زکات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے۔